हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। विंटर सीज़न आ गया है और आज एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ मैं, वेजिटेबल पराठा। इसमें मैंने देखिए लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। जो भी वेजिटेबल्स आपको खाना है ना, आप ले सकते हैं। तो बच्चे भी क्या है, इसको बड़े अच्छे से खा लेते हैं। और वैसे सब्जी बना के देते हैं ना, तो बच्चे लोग खाते नहीं है, ये सब्जी नहीं पसंद है, तो शिमला मिर्च पसंद नहीं है, तो ये लोग ये बना लो मम्मी, वो बना लो। तो इसमें क्या है, बच्चे हेल्दी भी रहता है और बहुत अच्छे से रहता है। और बच्चे जैसे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है टिफिन में रख के देने के लिए। हस्बैंड्स के लिए भी ये टिफिन में रख के देने के लिए बहुत अच्छा है। तो बस इसको बारीक बारीक काट लूंगी मैं सारी सब्जियों को, और इसको मतलब जैसे सब्जी बनाते हैं ना हम लोग बेसिक मसाले डाल के, बस वैसे ही सब्जी जैसे ही बनाना है। तो बहुत ही हेल्दी रहता है ये। तो बस मैंने तेल में राई डाली है और बस एक एक करके सारी सब्जियां डाल दूंगी। और राई का बघार मैंने इसलिए दिया है क्योंकि राई क्या गर्म करता है, तो विंटर सीजन में फायदा भी करता है, तो इसलिए मस्टर्ड ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले प्याज लिया है क्योंकि प्याज में क्या कच्चे स्मेल आती है ना, तो प्याज सबसे पहले थोड़ा सा भूंज लेंगे, फिर एक एक करके सारी सब्जियाँ डाल देंगे। तो प्याज को बस थोड़ा सा भूंजने दिया है और एक आध दो मिनट में तो भूंज ही गया है। फिर शिमला मिर्च डाल दिया और शिमला मिर्च थोड़ा हो गया, फिर उसके बाद मैंने पत्ता गोभी ले लिया और साथ में मैंने टमाटर भी डाल दिया है। तो बस चारों सब्जियों को अच्छे से भूंज लेंगे। इसमें मतलब फूल गोभी भी आप डाल सकते हैं, गाजर पसंद करते हैं तो आप गाजर डाल सकते हैं, मतलब बीन्स डाल सकते हैं, मटर का सीजन आ गया है अब तो मटर भी अपन ले सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं अपन इसमें। और पनीर अगर आपको डालना है तो आप पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो जो जो सब्जियां मेरे यहाँ था मैंने बस वही डाला, पनीर रखा है पर पनीर के भी बनाई थी इसलिए मैंने डाला नहीं। तो बस मसाले में देखिए मैंने सबसे पहले तो नमक लिया है, इसको इसमें नमक डाल के और हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, बस ये तीन ही मसाले मैं डालूंगी इसमें। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चटनी के साथ, अचार के साथ, केचप के साथ, जिसके भी साथ आपको खाना है ना, और चाय के साथ, मैं तो चाय के साथ खाना बहुत प्रेफर करती हूँ। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, इस टाइप से कुछ भी स्टफ्ड पराठे होते हैं ना, खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप से बस सारे मसाले डाल दिया हमने और ज़्यादा कुछ डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है। मिर्ची अगर आप लोग पसंद करते हैं ना, तो हरी मिर्ची भी आप काट के इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। हमारे यहाँ के बच्चे हरी मिर्ची अलग अलग निकालते हैं ना, इसलिए फिर और 50% ही बस हमको पकाना है इसको, ज़्यादा नहीं पकाना है। 50% जैसे ही पक जाए ना तो बस गैस ऑफ कर देंगे। आटे में मैंने ना एक अच्छा बड़ा स्पून सर्विस स्पून मतलब बेसन ले लिया है, तो बस बेसन मिला के बनाएंगे ना और टेस्टी लगेगा, थोड़ा सा क्रिस्पी आ जाएगा उसमें पराठे में। और देखिए एकदम गरम गरम धुआं निकल रहा है, इतना गरम मैं बना रही हूँ क्योंकि अक्षु क्या लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, नहीं तो थोड़ा सा ठंडा करके ना फिर मैं गूंथती। तो आप लोग बनाएंगे ना तो थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए उसको, थोड़ा ठंडा करके फिर गूंथिए, नहीं तो हाथ एकदम गरम गरम लगेगा। तो बस इस टाइप से हमें कुछ इसमें मसाले डालना ही नहीं है क्योंकि सब्जी में हमने ऑलरेडी सारे मसाले डाल दिए थे, और 50% बस हमको सब्जी पकाना है क्योंकि बाकी इसमें अच्छे से पराठे बनाएंगे ना तब पक जाएगा। तो इसको अच्छे से गूंथ के एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे, और बीच में जैसे ज़्यादा मतलब हार्ड रहेगा ना तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के हम लोग डो अच्छे से बना लेंगे इसका। तो मैंने तो बना लिया, देखिए इसका एक अच्छा डो बन गया है, पानी का छींटा डाल रही हूँ मैं थोड़ा क्योंकि गर्म बहुत लग रहा है, तुरंत तुरंत डाला ना तो अब उसके कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, फिर नाश्ता लेके नहीं जाएगा, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी में लगी थी थोड़ा। तो पानी का छींटा डाल के जैसे डो तैयार करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, एकदम सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा। और डो को आप है ना 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद आप मतलब बनाएंगे ना पराठा तो और सॉफ्ट और बहुत अच्छे से बनेगा, फटेंगे नहीं। मैं तो तुरंत ही बना रही हूँ तो थोड़े से देखिए फटे फटे से हैं जल्दी के कारण, थोड़ा रख के आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से बनेगा। तो नॉर्मल जैसे पराठे बनाते हैं ना हम लोग, बस वैसे ही पराठा बनाना है तेल में, घी में मैं मतलब ठंड के मौसम में बनाती नहीं हूँ, नहीं तो क्या है जमता है ना, और तेल में बनाती हूँ। तो आप लोग तेल में बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो जितने भी बनाना है आप बनाओ, बच्चों को दीजिए, टिफिन में रख के दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे बहुत अच्छे से शौक से खाएंगे इसको। तो बस पराठे बना लिए मैंने और साथ में टिफिन के लिए अचार है, केचप है, जो बच्चों को पसंद है दोनों ही रख दिया। अचार खाना है तो अचार ले लेंगे, केचप खाना है तो केचप ले लेंगे। चटनी वगैरह मैंने बनाई नहीं जल्दी के कारण, आप लोग जरूर बनाइए, ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे ना बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगता है ग्रीन चटनी के साथ, पुदीना और धनिया की चटनी जो बनती है ना उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस अक्षु की तैयारी तो हो गई टिफिन की, अब मैं आ गई पूजा करने, केले के पेड़ की पूजा करूंगी।
थर्सडे का दिन है तो सबसे पहले तो गुड़ और चने डाल लेती हूँ जल में और उनको चढ़ाती हूँ। और बस जल चढ़ाने के बाद नॉर्मल जो पूजा होती है ना, बस अक्षत वगैरह चढ़ाना, केले की जड़ों की पूजा होती है ये गुरुवार की जो पूजा होती है ना, तो बस केले के जड़ों में चंदन अक्षत सब चढ़ा के, फूल वगैरह चढ़ा के नॉर्मल जो पूजा होती है बस वैसी पूजा, और घी की बत्ती रख देती हूँ वहीं पे, मतलब उनके पास आरती करके। और फिर अंदर जो मंदिर है, मंदिर की पूजा होती है इसी टाइप से सेम, सब चीज़ चढ़ाना, वहाँ तो लक्ष्मी जी भी रहती है ना, लक्ष्मी जी को भी जैसे कुमकुम वगैरह, हल्दी कुमकुम सब चढ़ा देती हूँ मैं अंदर, और भी भगवान है सबको चढ़ा देती हूँ। तो मेन जो है थर्सडे जो गुरुवार में करती हूँ ना, विष्णु भगवान का ही करती हूँ, तो बृहस्पति भगवान जो है बस उनकी पूजा होती है, तो अच्छा रहता है घर के लिए, बहुत अच्छा रहता है। तो बस गुरुवार की पूजा कर रही हूँ, तो फटाफट पूजा करके सुबह सिर्फ पेड़ की पूजा करती हूँ, बाद में जब इन लोग सब चले जाते हैं ना उसके बाद मैं आराम से पोथी वोथी पढ़ना और ये सब करती हूँ। तो सुबह तो इनकी पूजा होती है, केले के पेड़ की भी पूजा मैंने कहा कर ही लो, बाई चांस अगर चाय पीना है कुछ पीना है तो कैसे, मतलब बिना पूजा किए अपन नहीं लेते हैं ना, चाय वगैरह नहीं लेती मैं, तो कम से कम केले की पेड़ की पूजा कर लो तो अपन को लगता है कि चलो चाय तो ले सकते हैं, फिर चाय लेके उसके बाद ही फिर बाकी अपन को जो भी जैसे पूजा वगैरह करना है थोड़ा सा वो सब हम पोथी होती पढ़ना, वो थोड़ा लेट कर लेती हूँ मैं। तो बस पीछे की साइड रखा है हमारे यहाँ केले का पेड़, तो पीछे पूजा हो जाती है, फिर मंदिर की पूजा आराम से होती रहेगी। और बस मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मेड आ गई थी, तो आज उसको मैंने कहा झाड़ू पोछा रहने दो, आज गेहूं कर लो, तो बोली ठीक है। तो अपन जैसे उसको बोल दो ना ये काम नहीं करना ये कर लो, तो वो कर लेती है, बहुत अच्छी है, तो अच्छे से करती है वो। तो बस गेहूं वगैरह थोड़ा छानना था तो मैंने कहा छान लो। वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह की धूप और सुबह का नाश्ता ये मस्ट है, मतलब सबके लिए, क्योंकि हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सुबह की धूप, मतलब जो वेजिटेरियन है ना उन लोग के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो विटामिन डी तो उनको लेना ही लेना है। और नॉन वेज में क्या है, कुछ कुछ चीजों में विटामिन डी मिल जाता है उन लोग को, तो उन लोग के लिए इतना वो नहीं है, फिश वगैरह या जो भी है उन लोग का रेड मीट वगैरह जो रहता है। और हम लोग जो नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, उन लोग के लिए तो आप मतलब बहुत कम चीजें रहती है जिसमें विटामिन डी रहता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो धूप जरूर आप लीजिए, 15 से 20 मिनट तो कम से कम लीजिए, नहीं तो आधा घंटा अगर आपके पास टाइम है ना तो आधा घंटा आप रोज सुबह की धूप जो होती है ना, सुबह सुबह की धूप 9-10 बजे तक की, वो ले लीजिए आप। और एक सुबह का ब्रेकफास्ट वो जरूर आप हेल्दी करिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, और दोपहर में मतलब थोड़ा सा कम खा सकते हैं और नाइट में और लिमिट में, पर जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो बस मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ और चाय के साथ दिखाती हूँ आपको। तो ये आ गया वेज पराठा, साथ में है चाय कप भर के। अब मैं धूप में बैठ के चाय और नाश्ते का मजा लूंगी।